इन दोनों को लेके नहीं गए ना बाहर, तो देखो किस किस तरीके से बैठ गए है ना। और ये नेताजी अभी भाग बाहर गए थे भागकर, इनको पकड़ के लाई हूँ अभी मैं, है ना। ये इस तरीके से कर रहे, अगर इन्हें एक मिनट दरवाज़ा खुला मिल जाता सीधे रोड पे भाग जाते हैं, रुकते नहीं है भाई कतई। वो देखो उसके तो अभी चक्कर ही लगने पे लगे हुए। ये देखो एक ये है रियो, तो बिल्कुल ही अंधाधुंध शैतानी करने में एक नंबर का है। सबसे शांत ब्राउनी है, कोको भी है लेकिन कोको इतना शांत नहीं है, गुस्से में कभी कभी भोंक लेता बहुत तेज, पर ब्राउनी शांत है। जब ये गुस्सा दिलाते हैं ना उसको तब जाकर वो गुस्सा करता है, वरना वो शांत है। ब्राउनी बाहर जाना है, कोको कोको भैया है वो भैया, देखो किस तरह से करेगा उसको परेशान। ये देखो 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 अब परेशान करने लगा उसको। और देखो कोको अपनी धुन में उसकी पूंछ के साथ खेलता हुआ, क्या हुआ रेफरी कुछ हुआ नहीं, ये तुम्हारे ही काम है, ये जो खराब कर रखे ना बैट, ये देखो मतलब इससे इससे युद्ध करके इसको राहत नहीं। अरे राम कितनी जोर का उसका सर बज गया, अरे बाबा उसकी पूछ, कोको ब्राउनी की पूछ कहाँ है, पूछ कहाँ है उसकी पूछ देखने पे लगा हुआ है ये देखो ये आ रहे हैं उनके, बस इनको अगर छोड़ दो ना तो सारा दिन खाना भी दो या मत दो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही खेलते रहेंगे। रियो तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है रियो, पहले नहीं था, पहले छोटा था ना तो इनसे डरता था, अब इनके बराबर का लगने लग गया है तो क्या कहते हैं बस इनके साथ ऐसा सोचता कि मैं इनसे बड़ा हूँ और जैसा मैं करूँगा वैसा ही मानेंगे। बस देखो कितनी मस्ती करता है ब्राउनी के साथ। रियो रियो ब्राउनी क्या लगता है, दोस्त लगता है क्या लगता है, हैं कि ताऊ जी सबसे बुजुर्ग है, सबसे बुजुर्ग है भाई, है ना। सेकेंड नंबर में कुकी है, थर्ड नंबर में कोको है, फोर्थ नंबर में रियो है जो अभी सबसे छोटा है। इसके देखो एक आँख खराब है, दूसरी आँख सही है, लेकिन एक आँख इसकी वाइट वाइट है बिल्कुल। ये बहुत पहले खराब हो गई थी हमारे घर पे आने से पहले, पता नहीं किसी ने इसको मारा होगा पहले क्या करा था, लेकिन इसकी आँख बहुत साल पहले ही खराब हो चुकी थी जब ये हमारे घर में आया था। और अब तो इतना हेल्दी है, अब तो अपने आप को सोचता है कि मैं ही इस घर का सबसे बड़ा मेंबर हूँ, और हमें भी अच्छा लगता है इसके साथ। इसको हमारे पास हो गए 5-6 साल से ऊपर हो गए से यहाँ रहते हुए, पहले ये पता नहीं कहाँ रहता था, पर जब से हमारे पास से आया है तब से यहीं रहता है, हम भी इसे अब कहीं नहीं जाने देते। मेरे पास 4 स्ट्रीट डॉग हैं, पहले ये ब्राउनी है, फिर मेरी कुकी है, फिर वो सामने बैठा कोको है, फिर ये रियो है। ये देखो पर ये चारों के चारों, पहले तो तीनों ही खेलते हैं, वो तो कुकी तो नहीं खेलती, कुकी ज़रा एग्रेसिव है। ये देखो ये देखो तीनों की तिगड़ी किस तरह से बैठी हुई है एक बैठा है, एक लेटा है और एक पड़ा है। रियो 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 ताऊ जी कहाँ है, ताऊ जी रियो ब्राउनी 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 क्या कर रहे हो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। ये तीनों आपस में मिलजुल के रहते हैं लेकिन कुकी नहीं रहती बिल्कुल नहीं, उसको भी मेरे को मन करता है कि इनके पास छोड़ूं, लेकिन वो इनको हार्म पहुंचा देगी इसलिए मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि इनको देखते ही वो एग्रेसिव हो जाती है। और ये तीनों आपस में मिलजुल के रहते हैं तो इनसे मुझे टेंशन नहीं होती इतनी। कोको के संग उसकी लड़ाई हो चुकी है, ब्राउनी उसके साथ लड़ चुका है, इसलिए अब मैं इनको छोड़ती नहीं हूँ, ये तीनों एक साथ रहते हैं वो अलग रहती है। और चारों ही मेरे पास स्ट्रीट डॉग हैं, इनकी भी कहानियाँ अलग अलग हैं,
लेकिन जो भी हैं मेरे पास आके रह रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको देखकर। लोग अच्छी अच्छी ब्रीड के डॉग्स पालते हैं, लेकिन वो भी वही वही हैं और ये भी वही हैं, तो इसलिए मैं स्ट्रीट डॉग पर ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और गली में भी बहुत सारे डॉग्स हैं यहाँ, जिनको मैं शाम को थोड़ा थोड़ा फीड करवाती हूँ। उनके लिए बोन स्टिक है और थोड़े से बिस्किट रहते हैं, जैसे हमारे बाज़ार से लेकर आते हैं हम लोग, तो पूरा शाम को उनको उनके उनको भी देकर आते हैं, उनके बच्चों को भी देकर आते हैं, तो खाते हैं बड़े मज़े से। ऐसा नहीं है, उनको वेट रहता है कि अगर हम लोग खाना खा के निकलते हैं तो उनको देने के लिए जाते हैं। कई बिस्किट खाते हैं, कोई स्टिक खाते हैं, अपनी अपनी पसंद का खाते हैं वो लोग भी, तो उनसे भी हमें अच्छा लगता है उनको जब हम फीड कराते हैं, तो एक खुशी मिलती है उनसे। और ये तो है ही, इनको तो सुबह सुबह उठते ही पहले स्टिक चाहिए खाने के लिए चारों को, उसके बाद फिर जो भी हो, उसके बाद ये खेलने पर मस्त रहते हैं। अभी कोको महाराज जी बाहर चले गए थे, इनको लेकर आई मैं अभी इसके पैर साफ कराने, क्योंकि बाहर से गंदगी आती है ना पैरों में, तो फिर ये थोड़ा सा मुँह लगाते हैं तो थोड़ा डर भी रहता है कि कहीं बीमार ना हो जाए, इसलिए इनकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो इनको हम इसको कोको के अभी मैं पैर साफ करती हूँ, उसके बाद में इन्हें खाना दूंगी। तब तक ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, अभी थोड़ा मस्ती करेंगे, उसके बाद अभी इनकी तो मस्ती चलती रहती है, सारा दिन चलती रहती है इनकी मस्ती। इनको कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़, इनको खाना मिल रहा है जो मिल रहा है, बस बात खत्म, इनको कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, खुश हैं अपनी लाइफ में। इससे ज़्यादा इनको खुशी क्या मिलेगी बताओ, इनकी खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी मिलती है, ये खुश होते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। खेलते हैं आपस में, भौंकते हैं एक दूसरे के साथ, अगर इन्हें एक को मैं अंदर बाहर कर दूं तो उससे मिलने के लिए इतनी जोर जोर की मुझे परेशान करता है कि खोलो मुझे, मुझे उसके पास जाना है। तो इस तरीके से रियो तो इतना फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा, कोको भी मेरा फ्रेंडली है, ये सारे के सारे बहुत फ्रेंडली हैं डॉग, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये आपस में इस तरीके से मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। बस थोड़ा सा खाना देते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, उस टाइम हर कोई डॉग्स हैं जो एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनसे थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है, अलग अलग देना पड़ता है इनको खाना मुझे, तो बट वही है। ये इनकी खेलने की जगह है मेरी गैलरी, कभी कमरे में खेलते हैं, अभी लाइट गई हुई है, तो कभी शाम के टाइम इन्हें छत में लेके चले जाते हैं, तो कोको और रियो ही जाता है, ब्राउनी नहीं चल पाता क्योंकि जीने पे थोड़े से उसके पैर जो है ना, अभी हमने परसों ही उसके नाखून कटवाए, बहुत बड़े बड़े नाखून हो रखे थे, पता नहीं कब से नहीं कटवाए थे इसके नाखून, और कुछ एक दो नाखून तो इसके मांस के अंदर बैठ गए थे, जिन्होंने नाखून काटे उन्होंने बहुत मुश्किल से काटे। तो उस दिन हमने इसको गंजा भी करा था रियो को, क्योंकि इसके बाल बहुत झड़ रहे थे, अभी बच्चा ही है, अभी तीन चार महीने का है, तो इस वजह से हमने इसके बाल कटवा दिए। और जब ऐसे हम कटवाते तो इन तीनों के ही बाल कटवाते हैं सर, बट ये बाद में आया तो इसलिए हमने इसके बाल अभी कटवाए हैं। बस करो खाना कौन खाएगा? रियो, ब्राउनी, खाना किसने खाना है? खाना कौन खाएगा भाई? रियो, ब्राउनी, खाना खाना है? हैं? बस बस भाई बस बस, बहुत हो गया। अरे खाने खाने के लिए भी जगह छोड़ दो अपने पेट में। नहीं 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 भैया, वो देखो चौकन्ना हो गया। इन दोनों की लड़ाई में तड़ों से भी भोंकते हैं तो फौरन खड़ा हो जाता है, बीच में आ जाता है उनके कि लड़ाई मत करो, देखना एकदम उठ के आ गया वहाँ से कि नहीं नहीं लड़ना। सब्जी वाला भी आ गया, मुझे सब्जी भी लेनी है। और रियो तो हर चीज़ फल फ्रूट सब्जी वगैरह सब कुछ खाता है, सब कुछ। कोको भी खाता है पर थोड़ा सा ब्राउनी दाल चावल ही पसंद करता है, दूध के संग चावल, दूध के संग या इनके संग घी जरूर देना पड़ता है, बगैर घी के खाते ही नहीं है। ये देखो जरा अब खेल रहा है उसके साथ भी। कोको भैया कहाँ हैं? बड़े भैया, कोको बड़े भैया कहाँ हैं भाई तुम्हारे हैं? और देखो कुकी भौंक रही है, अगर मैं उसको इनके पास लाऊंगी ना तो इनमें से एक साबुत नहीं बचेगा, पता नहीं किस किस को काट खा जाएगी, इसलिए इनके पास छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि नुकसान तो देखो दोनों साइड से है, इनको भी चोट लगेगी तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा, इसलिए ये तीनों ही आपस में मिलजुल कर खेल लेते हैं, लेकिन वो नहीं खेलते इनके साथ। कोको नहीं 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 दीवार नहीं, पिटाई खाओगे दीवार पे, बिल्कुल नहीं। दीवार चाटने के लिए जा रहा है, गंदी बात,
ब्राउनी बैठो बैठो नीचे, सेट 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 डाउन। लेडिया इसकी तो अलग ही कहानी चलती है भाई, ये तो पता नहीं कैसा है। रियो रियो जा रही हूँ मैं, हाँ जा रही हूँ, खाना खाना है, खाना खाना है, इसको कोई मतलब नहीं है, खाना हम खाएंगे तब भी बैठेगा खाने के लिए। चलो कोको बाय 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 बाय।